Hello students, welcome to our channel. In today class we will study the topic respiration in animals of the chapter life process. Okay, respiration in animals. अब सबसे पहली बात यह आती है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. तो हम इसमें लिखेंगे डिफरेंट एनिमल्स शोज डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन बाय यूजिंग डिफरेंट ऑर्गन को शो करके डिफरेंट एनिमल जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन को यूज करते हैं और उसके द्वारा अलग अलग तरीके से जो है रेस्पिरेशन करते हैं. जैसे द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एमीबा है, यूज एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 बाय द सिंपल मेथड ऑफ डिफ्यूजन थ्रू इट्स. तो यहाँ पर जो एमीबा है, एमीबा अपना रेस्पिरेशन किससे कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन से. तो हम कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसका, एमीबा का. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द सिंपल मेथड ऑफ डिफ्यूजन थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एमीबा. जो एमीबा है, एमीबा का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड, द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश पाउंड यूज देयर गिल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन दैट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड ऑल्सो रिलीज CO2 through the gills in water. तो मुझे क्या पता चला कि जो aquatic animal जैसे कि fish है, pound है, ये क्या करते हैं, अपने gills use करते हैं respiration के लिए. तो हम इसमें लिखेंगे gills is a respiratory organ of all aquatic animals. Okay, aquatic animals का जो respiratory organ है वो क्या होता है, आपका gills होता है. Third है आपका the animal
एनिमल लाइक अर्थवर्म दैट लिव इन द सॉयल एब्जॉर्ब O2 एंड रिलीज CO2 बाय इट्स मॉइस्ट स्किन। तो हमें क्या पता चला कि अर्थवर्म जैसे जो जानवर हैं जो कि सॉयल के टच में रहते हैं वो क्या करते हैं, O2 एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं स्किन इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म रिंगवर्म एटसेट्रा। ओके नेक्स्ट क्या है, जो एनिमल है तो हमें पता है कि कुछ एनिमल जैसे कि इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, इनमें क्या होते हैं, टिनी होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। और उनमें क्या होती हैं, एयर ट्यूब्स होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये हेल्प करती हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। तो हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सम ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई के बाद आपका जो है कॉकरोच, हैव टिनी होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स एंड एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। दीज स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। वो क्या करता है, O2 को एब्जॉर्ब करता है और CO2 को क्या करता है, रिलीज करता है। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया ही हेल्प कर रहे हैं O2 के एब्जॉर्प्शन में और CO2 के रिलीज होने में। तो हम लिख सकते हैं स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इंसेक्ट हाउस फ्लाई एटसेट्रा। इन सब के लिए जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया। ओके अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में क्या है। तो अब हमें समझना है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ये डायग्राम है जो हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने में। सबसे पहले मैं बात करूं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नोज से। हमारी नोज में अवर नोज कंटेन्स टू होल, या अवर नोज हैज टू होल्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। जो हमारी नोज है उसमें दो होल्स होते हैं जिसे क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं। देयर इज ए नेसल पैसेज बिहाइंड द नोस्ट्रिल्स। एक नेसल पैसेज होता है किसके पीछे, नोस्ट्रिल्स के पीछे। इट कंटेन फाइन हेयर एंड म्यूकस। इसमें क्या होता है, फाइन हेयर और म्यूकस जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
इसका काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का, या कोई छोटा मोटा इंसेक्ट है जो एंटर कर गया एयर के साथ, उसे ट्रैप करके बाहर निकालने का। उसके बाद जो एयर है, एयर ली जाती है किससे, नॉस्ट्रिल्स से। नॉस्ट्रिल्स से जो एयर है वो नेसल पैसेज में पास हुई। अब हमें सीधी सीधी बात पता चलती है, एक है यहाँ पर बॉनी प्लेट। बॉनी प्लेट वो प्लेट होती है जो कि माउथ कैविटी को नेसल पैसेज से क्या करती है, सेपरेट करती है। इसीलिए जब हम खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम यहाँ कह सकते हैं द पार्ट दैट लाई बिटवीन थ्रॉट एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिनेक्स। अब यहाँ से जो एयर है नेसल पैसेज से पास होती हुई कहाँ गई, आपकी फेरिनेक्स में। फेरिनेक्स से जो एयर है वो पास होती हुई जाती है आपकी ट्रेकिया में। ट्रेकिया कभी भी कॉलेप्स नहीं करता, चाहे इसके अंदर कोई भी एयर ना हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये सॉफ्ट रिंग्स का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। अब यहाँ से जो ट्रेकिया है वो दो पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ट्रेकिया से जो एयर है वो कहाँ जाती है, ब्रोंकस में। अब ब्रोंकस जो है अलग अलग ब्रांचेस में बटा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकस से जो एयर है वो पास होती है ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स में आप देख रहे हो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। अगर सिंगल बोलूँ तो एल्वोलस। ये क्या करते हैं, इनके अंदर मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्योंकि ये थिन थिन बैग होते हैं और इनमें जो है थिन ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एल्वोलाई इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। अब ये सब किसके अंदर है, लंग्स के अंदर है। लंग्स जो है वो क्या है, दो लंग्स में जो है ये क्या है, डिवाइड है, जो कि किसमें लाई करता है, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में। यहाँ पर एक मस्कुलर शीट होती है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। ये क्या करता है, लंग्स को सेपरेट करता है, किससे सेपरेट करता है, एब्डोमिनल कैविटी से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली गई, अब ब्लड कैपिलरीज अटैच थी, वहाँ से ये जो ब्लड है वो क्या करेगा, कैरी करेगा ऑक्सीजन को, और डिफ्यूजन से सभी सेल्स को क्या करता है, इस ऑक्सीजन को पहुँचाता है। वो क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, उस CO2 को दोबारा से कैरी आउट करता है, लंग्स में लेकर आता है। लंग्स से क्या करते हैं, एल्वोलाई CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, एल्वोलाई से वो ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से आफ्टर दैट ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आपका जो है फेरेनेक्स, फेरेनेक्स से वो नॉसल पैसेज से जो है पास आता हुआ जो ब्रेथ है वो क्या हो जाता है, जो CO2 है वो हम जो है अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है किसकी, रेस्पिरेशन की ह्यूमंस में। इसे एक बार दोबारा से देखिए, हमें पता चला नोज में कितने होल हैं, दो होल हैं, जिसे नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। एयर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा ली जाती है, नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स के पीछे जो है नेसल पैसेज होता है। नेसल पैसेज में क्या है, वहाँ पर नॉस्ट्रिल्स में फाइन हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को या कोई इंसेक्ट है उसे ट्रैप करने का काम करते हैं। एयर पास होती हुई नेसल पैसेज में पहुँच जाती है, नेसल पैसेज से ये क्या करते हैं जो है फेरेनेक्स में जाती है, फेरेनेक्स से जो एयर है वो ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकस में, और ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई में। ओके, तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके, तो आप जो है अगर इसे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इसे आप इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अवर नोज हैज टू होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, देयर इज अ फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रल्स। It traps dust particles and insect and release out of the body. After that, the air passes through the nostrils and goes inside the pharynx. Pharynx is a part that lies between throat and windpipe. Okay, and you know very well the second name of windpipe is trachea. जो windpipe का second name है वो क्या है, trachea है। अब trachea में जो है After that, the air passes through trachea. Trachea never be collapsed whenever air is not present inside it because it is made up of soft rings called cartilages. After that, the trachea is divided into two parts and this part is known as bronchioles.
एंड अटैच टू द लंग्स. लंग्स लाई इन अवर थोरेसिक और चेस्ट कैविटी. देर इज अ मस्कुलर शीट दैट इज नोन एज डायफ्राम एंड इट सेपरेट्स लंग्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. आफ्टर दैट bronchioles divided into a smaller branches known as bronchioles and air goes inside it and the air sac like structure attached to the surface of bronchioles is known as alveoli and alveoli is responsible for the net exchange of gases in the lungs. Okay, so this is the process by which respiration occurs in human beings. Okay, now we study the next topic of this chapter, blood. Blood क्या है? Blood एक liquid है जो कि हमारी body में transportation का काम करता है. ये क्या करता है? Connective tissue होता है. Blood जो है वो चार कंपोनेंट्स का मेनली क्या होता है, बना हुआ होता है. प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स. तो इसे लिख सकते हो, ब्लड इज ए लिक्विड दैट इज रिस्पॉन्सिबल for the transportation of food, water, hormones. It acts like an connective tissue. ये किसी कनेक्टिव टिश्यू की तरह क्या करता है, एक्ट करता है. इट इज रेड इन कलर. ये कलर में रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट. किसकी वजह से रेड होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स. ये क्या करता है, चार कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है अपने अंदर. फर्स्ट प्लाज्मा, सेकेंड रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर आप रेड ब्लड सेल भी कह सकते हो. थर्ड वाइट ब्लड सेल और फोर्थ प्लेटलेट्स. ओके, तो हमने क्या पढ़ा, ये लिक्विड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह क्या करता है, एक्ट करता है. ये कलर में रेड है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. ये कंसिस्ट करता है चार कंपोनेंट, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स. अब हम देखेंगे नेक्स्ट बात आती है प्लाज्मा. हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं. हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में 90% क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. ये मेनली क्या करता है, अपने अंदर डाइजेस्टिबल सब्सटेंस जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स है, फैट है और आपका एनर्जी है, इन सबको क्या करता है, अपने अंदर कैरी करता है.
तो हम लिखेंगे प्लाज्मा इज ए, ठीक है, प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. इट द 90% ऑफ पार्ट ऑफ ब्लड इज इन द लिक्विड फॉर्म. 90% जो है पार्ट किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं 90% ऑफ प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन द ब्लड. ब्लड में कितना प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, 90% प्लाज्मा जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है. अब इसे आगे देखेंगे, यहां पर इट कंटेन्स डाइजेस्टिबल एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस इनटू इट लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड फैट एटसेट्रा. ओके, तो समझ में आया प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो कि क्या कर रहा है, डाइजेस्टिबल सब्सटेंस कैरी कर रहा है. नेक्स्ट आपका रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स क्या है, दीज सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियाई. ये क्या होते हैं, ये जो तो हमने यहाँ पर पढ़ा दीज सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियाई. ये सेल क्या है, स्फेरिकल इन शेप में और इनमें न्यूक्लियाई नहीं होता. दीज सेल्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली रेड ब्लड सेल. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड CO2 टू ऑल बॉडी पार्ट्स फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स. तो इसमें क्या समझ में आया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, RBC रिस्पॉन्सिबल है. ओके, इट फॉर्म क्विकली, ये बहुत जल्दी बन जाता है इन बोन मैरो. किस में, बोन मैरो में. इट इज एस्टिमेट दैट, ये एस्टिमेट किया जाता है 4 मिलियन RBC डाई इन एवरी डे. हर दिन कितने मरते हैं, 4 मिलियन, बट 12 मिलियन RBC इज फॉर्म इन एवरी डे.
तो हमें दिख रहा है कि अगर 4 बिलियन मर रहे हैं तो 12 बिलियन क्या हो रहे हैं, बन भी रहे हैं। इसलिए अगर किसी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसे ब्लड जो है इजीली डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड बनने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। हम उस ब्लड को 1 से 2 दिन में जो है कवर अप कर लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा रेड ब्लड सेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है आपका वाइट ब्लड सेल। द वाइट ब्लड सेल या WBC प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू आवर बॉडी एंड ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया और जर्म्स। तो WBC क्या कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट या जर्म्स के अगेंस्ट। दीज सेल्स आर राउंड इन शेप, राउंड होते हैं एंड हैव न्यूक्लियाई, और इनमें क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। ओके, दिस सेल्स ऑल्सो नोन एज इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। इन सेल्स को हमारी बॉडी का क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि जब कोई कट लग जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है, कट लगने पर या कोई घाव होने पर, तो वो क्या करते हैं, उसको जो है ब्लड की क्लोटिंग, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए जो है क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लास्ट है इसमें फोर्थ कंपोनेंट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इज ए टिनी फ्रैगमेंट दैट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियाई, जिसमें कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता। ओके, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन ए कट और ए वाउंड हैपन्स इन अवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में कोई कट या वाउंड होता है तो उसमें क्लोटिंग के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रीथिंग। एक एडल्ट ह्यूमन 15 से 18 बार क्या करता है, ब्रीथ करता है, लेकिन जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम लिखेंगे द रेट ऑफ ब्रीथिंग
इन एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. ओके, 15 से 18 बार होता है पर मिनट में. रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑल्सो इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो ये पढ़े हमने ब्लड ऑफ कंपोनेंट्स और ब्रीथिंग. नेक्स्ट हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ ब्लड. देखते हैं ब्लड के क्या क्या फंक्शन है. फंक्शन ऑफ ब्लड में हम देखेंगे इट कैरीज O2 फ्रॉम द लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड कैरीज CO2 फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या है, हेल्पफुल है. सेकेंड, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. ये क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. बिकॉज ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू द स्किन एंड टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी. किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, 37 डिग्री होता है. जिसे कौन रेगुलेट करता है, ब्लड रेगुलेट करता है. इट कैरी डाइजेस्टिबल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन फैट लिपिड एंड ऑल्सो कैरीज हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करता है, हार्मोन्स भी कैरी करता है. ये जो है हमें जो है बॉडी से भी डिसीज से भी क्या करता है, बचाता है. तो दिस आर द ऑल फंक्शंस ऑफ ब्लड. तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके.